जिले चिकित्सालय निहारिका में बच्चे रहे स्वस्थ योजना अंतर्गत बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र एवं 25 फरवरी गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र में आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को कराया गया स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार। बच्चों को विलक्षण प्रतिभाशाली बनाने एवं बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे रहे स्वस्थ योजना अंतर्गत आयुर्वेदिक टीकाकरण के माध्यम से पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत स्वर्ण बिंदु प्राशन ड्रॉप्स पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया जाता है। उसी कड़ी में 24 फरवरी बुधवार को बुध पुष्य नक्षत्र में एवं 25 फरवरी गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार किया गया, जिसमें अंचल के सैकड़ों बच्चे लाभान्वित होकर इसके अप्रत्याशित चमत्कारिक परिणाम का लाभ ले रहे हैं, जिसके बारे में स्वर्ण प्रशासन ले रहे बच्चों एवं अभिभावकों ने अपने बच्चों में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया कि बार बार होने वाली सर्दी, बुखार, सिर में दर्द, किसी काम में मन नहीं लगना, यादाश्त की कमी, खून की कमी, कमजोरी आदि बहुत सारी चीजों पर अप्रत्याशित लाभ हुआ है और बच्चों की कार्य क्षमता, स्मरण शक्ति एवं क्रियाशीलता भी बढ़ गई है, जिसका उल्लेख हमारे आयुर्वेदिक के प्राचीन ग्रंथ कश्यप संहिता एवं कश्यप संहिता एवं प्रमुखता से है जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा के कलावा प्रकाश शर्मा, चक्रपाणी पांडे, रोशन कुंजर एवं राकेश इस्पात ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा है। कितने साल के हो गए आप? 2 साल। क्या पीने के लिए आए हो यहाँ पर? 3 साल का और 2 साल का। हाँ हाँ, 3 साल का। 3 साल के हो? अच्छा, क्या पीने के लिए आए हो? दवाई। क्या दवाई? कुछ अच्छा लगता है उसको पीने से? हाँ। क्या अच्छा लगता है? लस्सी बनती है। आपका क्या नाम है? आप क्या पीने आए हो? दवाई। कितने समय से पी रहे हो? बहुत समय से। आपको कुछ अच्छा लगता है? हाँ। क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, दवाई पीने से कुछ फायदा होता है? हाँ। क्या पहले होते थे? हाँ। क्या देंगे पहले? किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? क्या ड्रॉप है और कितने समय से पिला रहे हैं और क्या फायदा हो रहा है इसका? काफी टाइम हो गया, आई थिंक 6 मंथ्स हो गया इसको पिलाते पिलाते, और इसका मेमोरी पावर पर स्ट्रांग हुआ है। और बच्चे को और कोई समस्या रहती है क्या? नहीं। जी भी अपना परिचय देंगे पर। जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम दुबे है, मैं सीएसबी कॉलोनी पटन नंबर SF689 में निवास करता हूँ। यहाँ किस लिए आए हैं? स्वर्ण बिंदु प्राशन के लिए। ये कब से करा रहे हैं और कैसा इसका आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में बताएंगे? ये मेरा चौथा बार है और इसका रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि पहले इसका हर हमेशा इसको सर्दी खांसी रहता था, जो इसको लेने के बाद से अभी काफी राहत है, सर्दी खांसी भी नहीं हो रहा है इसको। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित दुबे है। कब से पी रहे हैं स्वर्ण बिंदु प्राशन आप? छह सात महीने। कैसा लगता है इसका टेस्ट? इसका टेस्ट हनी टाइप। कुछ आपको अच्छा लगता है इसको पीने से? क्या क्या लगता है? मीठा। नहीं, और कुछ फायदा हो रहा है शरीर में? हाँ। क्या? सर्दी नहीं होता। सर्दी नहीं होता, पहले होता था? हाँ, पहले एक महीने में होता था। और अब? अब नहीं होता, अब बहुत कम हो गया है। मैं डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा, प्रोफेसर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका पूर्वा। आज हम यहाँ पर पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार करा रहे हैं, जो कि हमारे 16 संस्कारों में से स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें बच्चों को स्वर्ण भस्म, घी, हनी और जड़ी बूटियों से मिश्रित एक औषधि तैयार करके उसे पुष्य नक्षत्र में दी जाती है, जिससे बच्चे विलक्षण प्रतिभाशाली बनकर और उनकी शारीरिक और मानसिक रूप से दूर होकर वे रोग मुक्त होकर स्वस्थ रहते हैं।
ऐसा लाभ होता है। इसका वर्णन हमारे प्राचीन संहिताओं में सुश्रुत संहिता कश्यप संहिता में विस्तार से है। पुराने जमाने में क्या होता था कि जीव जब बच्चा पैदा होता था तो चांदी या सोने की सलाका से घी शहद से उनके जीभ पर ओम लिखते थे, इसको एक तरह से घुट्टी देना भी कहते थे पुराने ज़माने के लोग। वही यह संस्कार जो आजकल आधुनिक समय में लुप्त हो जा रहा है, जिसको पुनर्जीवित करने का प्रयास हमारे संस्थान द्वारा इस स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज करीब 6 महीना हो गया इस कार्य को करते हैं और सैकड़ों बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उनके अभिभावक आकर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बता रहे हैं कि अब प्रत्याशित लाभ हो रहा है और बच्चों की स्मरण शक्ति, शारीरिक मानसिक विकृतियाँ दूर होकर बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। और इसी को हम हर महीने के पुष्य नक्षत्र में पिलाते हैं। इस तरह स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को इस संस्कार को कराएं, जिससे बच्चे की शारीरिक मानसिक विकृतियां दूर होकर वे स्वस्थ हों और विलक्षण प्रतिभाशाली बने, जिससे स्वस्थ एवं निरोगी समाज का निर्माण हो सके।